इसके लिए सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में एनएफए के एप्सिलॉन अगर गिवन है, इफ एप्सिलॉन इज गिवन इन द डायग्राम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो दिस मेथड. आई मीन यू हैव टू फाइंड आउट द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट. आई मीन द फर्स्ट स्टेट इज हियर क्यू नॉट, तो क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर हम निकालेंगे तो क्या आएगा. क्यू नॉट से अगर हम चलें क्यू वन तक, तो मुझे एक एप्सिलॉन यहाँ ये दिख रहा, दूसरा ये रहा, तो दैट मीन्स कनेक्टिविटी है इसमें, कंटिन्यूअस है. क्यू नॉट से हम क्यू वन पहुंचे, जब क्यू वन पे पहुंचे तो हमने देखा एक और एप्सिलॉन है जो क्यू टू तक हमें ले जा रहा है. तो इन दिस एप्सिलॉन क्लोजर, क्यू नॉट का अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो ये तीनों स्टेट आ रहा है. सिमिलरली वी विल फाइंड द क्लोजर फॉर क्यू वन ऑल्सो, दैट मीन्स क्यू वन टू क्यू टू, क्यू वन कॉमा क्यू टू. The next one is the epsilon closure of Q2. Q1, Q2 क्यों लिया? क्योंकि Q1 से चलना स्टार्ट करेंगे, Q2 तक पहुंचने में हमें एक epsilon मिल रहा था, इसलिए दोनों स्टेट यहाँ पर इंक्लूड कर लिया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे Q2 का epsilon देखें तो आपको लग रहा था Q2 से तो कोई epsilon है नहीं, बट हर एक स्टेट के पास नल मूवमेंट होता है. मैंने पहले भी बताया है एवरी स्टेट हैव द सेल्फ, आई मीन वहाँ पर उसका अपना भी एक नल मूवमेंट होता है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन इंटरनली ये रहता है. तो अगर हम Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं तो दैट विल बी नथिंग बट द Q2. नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगर एप्सिलॉन क्लोजर हमने तीनों स्टेट का निकाल दिया, सपोज और भी स्टेट्स हैं तो हम सभी का निकालेंगे, इसमें तीन थे तो हमने यहाँ पे तीनों का निकाल लिया. अब हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट हमारा Q0 है, तो हमने तीनों का क्लोजर निकाला. अब हम यहाँ पे इस वाले को लेट अस कंसीडर, जो इनिशियल स्टेट का क्लोजर है हमारा, उसको हम एज अ ए यहाँ बना लेंगे और एज अ निक नेम, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसका क्लोजर है उसका नाम थोड़ा बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि इट इज हैविंग हियर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू. तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू राइट क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज एज अ निक नेम ए. तो लेट अस कंसीडर कि दिस इनिशियल स्टेट निक नेम इज एज अ ए. नाउ हम यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकालेंगे, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन ऑफ ईच स्टेट निकालेंगे, जो अभी हमने निकनेम दिया हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा डी एफ ए का, दैट विल बी नथिंग बट द ए विच इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन एन एफ ए. इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट है, तो हमने क्यू नॉट का जो भी स्टेट था एप्सिलॉन क्लोजर उसको निकनेम ए लिया. अब हम यहाँ पर ट्रांजिशन लेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्टीशन कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे कैलकुलेशन के लिए. तो नाउ देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो एक रूल है, ये डेल्टा ट्रांजिशन जो डेल्टा डैश लिखते हैं इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन. एक्सटेंडेड ट्रांजिशन क्या हम लेंगे, ए, मैं आपको रूल बता रही हूँ. यहाँ पर जैसे ए इनपुट है तो ए लिया, अभी एक फॉर्मूला बना रही हूँ. तो इसको आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल ए कॉमा ए, यानी कि हम पहले इसको निकालेंगे और इसका जो क्लोजर होगा फिर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस डू दैट. तो डेल डैश हमने यहाँ पे लिखा ए कॉमा, इनपुट क्या है हमारे पास, देखो जीरो वन टू, तो हम एक एक करके यहाँ पे चेक करेंगे. ए को थ्री इनपुट्स देने पड़ेंगे यहाँ पे, पहले मैंने यहाँ जीरो दिया, ए को अगर हम जीरो देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर. नाउ अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे डेल और एक कॉमा, हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया, ये किया. अब देखो ए की वैल्यू क्या है, उसे सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पर, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारी है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इसको ले लिया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा, हमने इसे जीरो दे दिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया. अब सभी का यूनियन निकालोगे एक एक करके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल क्यू नॉट जीरो यूनियन डेल क्यू वन जीरो यूनियन डेल क्यू टू कॉमा जीरो, हम यहाँ पे ये कर लेंगे. नाउ अगेन एप्सिलॉन क्लोजर. अब देखो इसका अगर हम देखें क्यू नॉट को अगर हम जीरो दे रहे हैं तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है यूनियन. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्यू वन को अगर जीरो मिल रहा है, क्यू वन को जीरो अगर मिल रहा है यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, दैट मीन्स फाइव यूनियन. क्यू टू को अगर हम जीरो दे रहे हैं यहाँ पर तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगेन इट इज अ फाइव. ना इन तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट
क्यू नॉट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट इज नथिंग बट यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ रही है उसको आप लिखोगे, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। फाइनली यूनियन लेने पर हमें आया क्यू नॉट, और क्यू नॉट का जब एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा था ये, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो हमारी है क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। अगर आप देखिए तो हम जो लेके चले थे जीरो पे ये वही आ गया, तो यानी कि हम ए लेके चले थे और ए पे ही पहुंच गए। तो देखो मैं यहाँ साथ का साथ डायग्राम भी बनाऊंगी, हमने ए को इनपुट क्या दिया था जीरो, तो ये सेल्फ पे आ गया, जीरो के लिए ये सेल्फ आ गया। अब देखो हमने जीरो के लिए चेक कर लिया ना, अब हमारे पास इनपुट वन एंड टू है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू रफ दिस, मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको यहाँ पर। अब जीरो की जगह मैंने क्या किया यहाँ पे वन दे दिया, अगर वन है तो मैं यहाँ सब जगह जीरो की जगह वन लिख दे रही हूँ, ये वन अगर इनपुट है यहाँ पे तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यानी क्यू नॉट को अगर हम वन दे रहे हैं तो ये फाइव हो जाएगा, अगर क्यू नॉट सॉरी क्यू वन को अगर हम वन दे रहे हैं तो क्यू वन पे ही आ रहा है, तो ये क्यू वन आ गया, एंड क्यू टू को अगर हम वन दे रहे हैं तो वो फाइव रहेगा, तो यानी कि यहाँ यूनियन करेंगे तो ये क्यू वन आएगा। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन अगर हम देखें तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन आप यहाँ से देख सकते हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन इज नथिंग बट क्यू वन कॉमा क्यू टू है, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द ए, तो लेट्स गिव द नेम एज अ बी, तो इसका मतलब इसे हमने निक नेम दिया है बी, तो ये बी आ गया, तो दैट मीन्स अगर हम इसे वन देते हैं तो ये जा रहा है बी पे। ये ध्यान रखिएगा बी किसका नाम है, तो मैंने यहीं पे छोटा सा लिख दिया क्यू वन क्यू टू है वो बी है। अब हमारे पास एक नया स्टेट, अगर आप इस डायग्राम से देखिए एक नया स्टेट आ गया बी, बट अभी हमारे पास एक इनपुट और बचा है टू, तो हम यहाँ पे टू को भी जस्टिफाई करेंगे, आई मीन हम ए के लिए टू को भी चेक करेंगे, हमने यहाँ पे टू डाला, अब सभी जगह हम यहाँ पे टू लिख लेंगे। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू नॉट को अगर हम टू देते हैं तो ये फाइव आएगा, एंड क्यू वन को अगर हम टू दे रहे हैं तो ये भी फाइव आएगा, एंड क्यू टू को अगर हम टू दे रहे हैं तो ये क्यू टू आएगा, इट्स नॉट फाइव, यानी कि अब क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू टू, अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू टू, यहाँ से आप देखिए तो ये क्यू टू आ गया, दैट मीन्स दिस, लेट्स गिव द नेम एज अ सी, हमने इसको नाम सी दे दिया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी कि जब आपने ए को टू दिया तो ये यहाँ पर ये आ गया, तो हमने यहाँ पर टू के लिए सी बना दिया डायग्राम। तो अब आप देखिए कि ए से चले थे हमें एक नया स्टेट बी और दूसरा हमें सी मिल गया, तो अब हम बी के लिए चेक करेंगे, आई मीन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द बी, तो बी को अगर हमने जीरो दिया तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल बी कॉमा जीरो, और बी की वैल्यू क्या है हमारी वो हम रख लेंगे, दैट इज अ डेल क्यू वन कॉमा क्यू टू कॉमा जीरो, इसके लिए अब हम निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ पे निकालें यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन कॉमा जीरो यूनियन डेल्टा क्यू टू कॉमा जीरो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर क्यू वन को अगर जीरो दे रहे हैं तो ये फाइव आएगा, और क्यू टू को अगर हम जीरो दे रहे हैं तो ये भी फाइव आएगा, तो फाइव अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाइव लेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए फाइव आ गया, आई मीन कुछ भी नया स्टेट हमें नहीं मिला, दैट इज़ नथिंग बट द फाइव इन केस ऑफ द जीरो, अगर हमने यहाँ पर ले लिया जीरो की जगह वन ले लिया, ये वन है ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, बी के लिए जो हम निकाल रहे हैं सभी जगह वन, तो क्यू वन को अगर हम वन दे रहे हैं तो ये क्यू वन पे आ रहा है, इसी तरह से क्यू टू को अगर हम वन दे रहे हैं तो फाइव पे आएगा, क्यू वन यूनियन फाइव करोगे तो ये क्यू वन आएगा, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट द क्यू वन एंड क्यू टू, दैट इज सेल्फ आ गया, बी लेके चले थे वही आ गया, बी की वैल्यू है क्यू वन क्यू टू, दैट मीन्स वन के लिए ये यहीं पे है। अब अगर इसकी वैल्यू हम टू कर देते हैं, नाउ लेट्स टेक इनपुट एज अ टू,
देखिए आप अगर कॉपी पे करोगे तो कम्प्लीटली यू राइट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। तो नाउ Q1 को अगर हम 2 दे रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, बट Q2 को अगर 2 दे रहे हैं तो ये Q2 आएगा, यानी नेक्स्ट जो आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 निकालोगे तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज नथिंग बट द Q2 आ गया। दैट मीन्स ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 2 के लिए C के पास चले जाएगा, क्योंकि हमने इसका निकनेम C दे रखा था Q2 को, तो ये C के पास चला जाएगा। अब C के लिए चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर लेंगे हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ C कॉमा जीरो, तो दिस इज नथिंग बट द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल C कॉमा जीरो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर C कॉमा जीरो, C का मतलब है यहाँ पर Q2, Q2 कॉमा जीरो, Q2 को अगर हम जीरो देते हैं तो ये फाइव आ जाएगा और उसका क्लोजर निकालोगे तो फाइव आएगा। इसी तरह से अगर आप देखें Q2 को जीरो देंगे तो ये आएगा। नाउ Q2 को अगर हम यहाँ पर क्या दें, आई मीन C को हम अगर वन देते हैं, C को अगर हम वन देते हैं, ये वन ये भी वन, तो Q2 को अगर वन देंगे तो भी फाइव आएगा। अगर हम टू देते हैं, चेक कर लेते हैं टू के लिए, Q2 को अगर हम टू देते हैं तो वो Q2 आएगा, दैट मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 आएगा और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज नथिंग बट Q2, दैट मीन्स ये सेल्फ पे आएगा, टू के लिए ये यहीं पे आएगा। तो ये डायग्राम हो गया, बट इसमें फाइनल स्टेट क्या होगा, Q2 है, तो आप देखिए इन तीनों में ही Q2 आ रहा है, यहाँ पर भी Q2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी कि ये सारा का सारा क्या होगा, फाइनल बन जाएगा, इसको आप डबल सर्कल कर दोगे। अब देखिए ये जो निकनेम हमने रखे थे, आप चाहें तो फाइनली जो है आप ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, आप यहाँ पर फाइनली ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। ए की वैल्यू क्या थी, Q0, Q1, Q2, ये आपने रखा और ये इसको यहाँ पे आपने जीरो बता दिया और ये फाइनल स्टेट भी है आपका। देन आपने इसे इनपुट वन दिया तो ये बी पे जा रहा है, बी की वैल्यू Q1 एंड Q2 है। इफ समबडी लीव लाइक दैट ओनली ए बी सी देन ऑल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स, बट ट्राई टू मेक द ओरिजिनल वैल्यू। ये ऐसा नहीं कि आपका कोई नंबर कट कर लेगा, क्योंकि आपने एज्यूम किया है और वो आपने हर जगह यहाँ ए और बी को लिखा है कि क्या है वो, तो दैट विल बी नॉट रॉन्ग कि आपने रॉन्ग बनाया है अगर आपने ये नहीं बनाया। ये टू आ गया इसका और ये यहाँ पर भी ये टू है, दिस इज नथिंग बट द टू, ये बी के किस इनपुट के लिए था, टू के लिए ही था, ये टू हो गया। तो दिस इज द फाइनल डायग्राम हियर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, हाँ इसी का अगला क्वेश्चन ये मैंने दिया था, इसे ट्राई करिए, आप लोग सभी लोग ट्राई करो ये।